पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ देर पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अरुण जेटली से मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कह सकते हैं। इससे पहले अरुण जेटली ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से कहा था कि उन्हें इलाज के लिए वक्त चाहिए, इसीलिए अतिरिक्त जिम्मेदारी न दें। जेटली ने चिट्ठी में लिखा है, पिछले 18 महीने से मैं सेहत की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा हूं। डॉक्टरों की मदद से मैं अधिकतर बीमारियों से उबर चुका हूं। जब आप केदारनाथ जा रहे थे मैंने आपको मौखिक रूप से बता दिया था, भविष्य में अपने आप को किसी भी तरह की जिम्मेदारी से अलग रखना चाहूंगा। मैं अब आपसे औपचारिक रूप से आग्रह कर रहा हूं। मुझे अपने लिए, इलाज के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए समय देने के लिए नई सरकार में शामिल नहीं होने की अनुमति दी जाए। कल मोदी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री निवास 7 लोक कल्याण मार्ग में दोनों नेताओं के बीच करीब 3.5 घंटे बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में नए मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई। कल 65 से 70 मंत्री शपथ ले सकते हैं। अमित शाह ने आज ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना और जेडीयू से 2-2, अकाली दल और एलजेपी से 1-1 मंत्री सरकार में शामिल किए जा सकते हैं। जनता दल यू मंत्रिमंडल का हिस्सा रहेगा ऐसा लगभग तय है। मंत्री कौन बनेंगे जेडीयू से, ये श्री नीतीश कुमार जी तय करेंगे। कितनी संख्या होगी ये प्रधानमंत्री तय करेंगे। विभाग किसको क्या मिलेगा ये प्रधानमंत्री तय किए। अमित शाह ने मंगलवार को भी प्रधानमंत्री से 5 घंटे लंबी मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों को शपथ में बुलाने के विरोध में ममता बनर्जी ने यह फैसला लिया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर शपथ के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए बीजेपी के 54 कार्यकर्ताओं के परिवारों को शपथ में शामिल होने का न्योता दिया है। मुझे लगता है कि ममता जी का फेडरल सिस्टम पे पहले भी विश्वास नहीं रहा, पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम पे जो टिप्पणी की वो सारा देश जानता है, तो शायद यहाँ नहीं आने का वो बहाना ढूंढ रही होगी। 29 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है। बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, जबकि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ और केरल के सीएम पी विजयन ने शपथ में शामिल होने से इनकार कर दिया है। कल पीएम मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में शुरू होगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन ने सभी मेहमानों को निमंत्रण पत्र भेज दिया है। शपथ से पहले पीएम मोदी कल सुबह राजघाट, अटल समाधि और वॉर मेमोरियल जाएंगे। पीएम मोदी का शपथ ग्रहण ऐतिहासिक होगा क्योंकि इसमें 6,500 मेहमान शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 8 देशों के प्रतिनिधि शपथ के दौरान मौजूद रहेंगे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव, म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट, मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ, नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, भूटान के पीएम लोटे शेरिंग, थाईलैंड के विशेष प्रतिनिधि ग्रिसादा बूनराक शामिल होंगे। तृणमूल कांग्रेस के एक मौजूदा और एक पूर्व विधायक आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीरभूम के लबपुर से विधायक मुनिरुल इस्लाम के साथ पूर्व विधायक गदाधर हाजरा, बीरभूम में टीएमसी यूथ विंग के महासचिव मोहम्मद आसिफ इकबाल और निमई दास ने भी दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी का दावा है कि आने वाले दिनों में टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे। जो जो आदमी उसका पार्टी छोड़ के आया है वो आपका मोजी से आया है, एक भी उसका उधर जाएगा नहीं। ये देखिए आप काल इसके देख लेंगे, ममता जी का बहुत बहुत फेस लॉस होंगे अगेन। मंगलवार को ही टीएमसी के 2 विधायक और 63 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए थे। चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को भारत का डिवाइडर इन चीफ यानी कि प्रमुख विभाजनकारी बताने वाली अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने अब नतीजों के बाद यू टर्न ले लिया है। अब टाइम ने अपने एक लेख में प्रधानमंत्री मोदी को भारत को जोड़ने वाला सबसे बड़ा नेता बताया है। टाइम ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को एक सूत्र में पिरोया है।
पिछले कई दशकों में कोई दूसरा पीएम ये काम नहीं कर सका है। मोदी ने ऐसे सामाजिक परिवेश में जन्म लिया जिसे पिछड़ा माना जाता था। शीर्ष पर पहुंचने के दौरान उन्होंने खुद को कुछ इस तरह से देश के गरीब और लाचार तबके से संबद्ध किया जो काम नेहरू गांधी परिवार आजादी के 72 सालों बाद भी नहीं कर सका। इस्तीफा देने की जिद पर अड़े राहुल गांधी ने कांग्रेस को नया फॉर्मूला दिया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने सीनियर नेताओं से किसी ओबीसी या दलित को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने को कहा है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं से साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक महीने के अंदर अपने नए अध्यक्ष का चुनाव कर ले। राहुल गांधी को इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाने की कांग्रेस हर संभव कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में सेना की अग्रिम पोस्ट के साथ ही रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान ने गोले दागे। दोपहर करीब 12 बजे पुंछ में एलओसी पर पहले शेर और शक्ति पोस्टों को निशाना बनाया गया। इसके बाद रिहायशी इलाकों में भी पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई। पाकिस्तान के हमले में किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की करीब 65 करोड़ की जमीन को जब्त कर लिया है। एजेएल कांग्रेस से जुड़ी वो कंपनी है जो नेशनल हेरल्ड अखबार का प्रकाशन करती है। ईडी के मुताबिक 2005 में हरियाणा की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पंचकुला के सेक्टर 6 के प्लॉट नंबर C17 को एजेएल को आवंटित किया था। ईडी का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए तत्कालीन हुड्डा सरकार ने जमीन एजेएल को दी थी। दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी रॉबर्ट वाड्रा ने सीबीआई अदालत से विदेश जाने की अनुमति मांगी है। वाड्रा ने बुधवार को अदालत में मेडिकल सर्टिफिकेट दाखिल करते हुए अनुरोध किया कि उनकी बड़ी आंत में ट्यूमर है जिसका इलाज कराने के लिए उन्हें लंदन जाना है।